नमस्कार, सलाम, दुआ, सब कुछ। आजकल जो चल रहा है कोरोना महामारी, उससे बचने के आसान 10 तरीके कुछ ऐसे हैं जो कि आप पहले से जानते होंगे और कुछ को अवॉइड करना है। तो आइए देखते हैं ये 10 तरीके क्या है। ये जो 10 तरीके मुझे पता चले, हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था और उसी को मैंने इस तरह से बनाए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं प्रेरणा मिली मुझे इस चीज के लिए। तो सबसे पहले जो न्यूज चैनल्स है उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसको देखिए, खुद को इससे बचाइए। आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम न्यूज अबाउट द वायरसेस। एवरीथिंग वी नीड टू नो वी ऑलरेडी नो, जितना हमें पता है वही न्यूज वाले बताते हैं से ज्यादा। इसलिए वायरस के खबरों को खुद से अलग रखें, और हमें जो कुछ भी जानने की जरूरत हम पहले से ही जानते हैं। दूसरा उपाय है, बहुत आसान से उपाय है। बार बार कितने लोगों की डेथ हो गई, कौन मरा, कितने मरे, आज कितने मरे, कल कितने मरे, टोटल कितने मरे, ऐसे देखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा उपाय, जो भी आपको मालूमात मिलती है, व्हाट्सएप पर आती है, उसकी और जानकारी के लिए इंटरनेट या गूगल सर्च ना करें। इसकी वजह से आपको और ज्यादा मालूमात मिलती है कि डेट इतने हो गए, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर हो गया, यहाँ पर बेड कम है, वहाँ पर, ऐसी बिल्कुल भी ना देखें। इसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है। चौथा उपाय है, कोई भी मैसेजेस, यानी किसी को श्रद्धांजलि, आपको इससे ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, यहाँ पर कोरोना हो गया, वहां पर फैल गया, इतने पेशेंट मिले, उतने पेशेंट मिले, ऐसे कुछ भी ना। जैसी आप लोगों की मानसिक स्थिति है या मानसिक ताकत है, वैसी सभी की नहीं होती। तो आप तो मदद करना चाहते हैं, पर वो लोगों को वो मदद की बजाय आप उनकी मानसिक स्थिति चेंज हो जाएगी। ओके, तो इससे बचे। पांचवा आसान उपाय या तरीका हम बोलेंगे, तो घर पर साइलेंट म्यूजिक लगा कर रखें, एक नॉर्मल वॉल्यूम में, जिसमें आपको खुशी महसूस हो, हंसी महसूस हो। बच्चों के लिए मनोरंजन करें, बच्चों के साथ खेलें, देखें कहानियां और भविष्य की योजनाएं उन्हें बताएं और उनसे बनवाएं। अगला जो उपाय है, इसके लिए आपको घर में एक डिसिप्लिन बनाना होगा, एक अनुशासन बनाना होगा, कि हर एक आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी आप तय करें, उसके बाद आपको याद दहानी होती रहे कि आपको हाथ धोना है, आपको साफ सफाई करनी, ये सब चीजें करते रहे। उसके बाद आपका सकारात्मक मूड बनाए रखें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो आपको बचाने में मदद करेगा, वो प्रतिकार शक्ति आपकी बढ़ती रहेगी। अगर आप नेगेटिव मूड में या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर उससे कम होगी, और वायरस से लड़ने के लिए आपको ये नेगेटिव थिंकिंग कमजोर बनाए। इसलिए पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव मूड ही बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात पर दृढ़ता के साथ विश्वास करें कि यह समय भी बीत जाएगा और हम इसमें सुरक्षित रहेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में, हर दिल में इस तरह से बिठा लें कि आपको कुछ नहीं होगा, बस आप इस तरह के प्रिकॉशंस लेते रहें। लास्ट बट वन, आपका जो वर्क स्ट्रेटेजी है आपके भविष्य के लिए, उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें। आपका पर्सनल और पेशावरी जो भी है, यानी आप जिस भी पेशे में, उसका पोर्टफोलियो, उससे लगने वाली स्किल्स बढ़ाएं, उसको नए से सीखें, कुछ नई चीजें उसमें ऐड करने की कोशिश करें। आखिरी उपाय जो मैं, ये सबसे आसान उपाय है, क्योंकि आप न्यूज ना देखिए तो फिर बोलेंगे कि क्या करें। तो आप देखिए, कॉमेडी शोज देखिए, कॉमेडी वीडियोस देखिए, कॉमेडी की फिल्में देखिए, क्योंकि हंसी सबसे अच्छी दवाई है। हंसी की वजह से आप
जो सोच रहे हैं, जो निगेटिव आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो विचार आपके पॉजिटिव में बदल जाएंगे, उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये 10 उपाय हैं। इस 10 उपायों को आप धीरे धीरे करते रहें तो बेशक आप कोरोना से बचेंगे। अगर कोरोना हो भी जाए तो भी इन 10 उपायों को करें तो भी आप उससे जल्द से जल्द ठीक होकर वापस अपने फैमिली के साथ होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।